तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी हमने जब इसका प्रेशर बढ़ाया तो यहाँ से मसाला निकलने लगा है, मतलब प्रेशर बनने लगा है। तो अभी अब हम लोग इसमें हब को फिट कर देंगे, जो ये जो अपना हब है इसको अभी अब हम लोग यहाँ पे फिट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों इसे फटाफट हम लोग फिट करते हैं। सेंटर में आ गया ना। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि जब हमने हब को टाइट कर दिया, इसमें डाई लगा दिया और इसे चलाया है, तो बैक साइड से जो यहां से मसाला निकल रहा था तो ये नहीं निकलना चाहिए। तो इसके लिए हमें इसे अभी और टाइट करना पड़ेगा। जब हम लोग इसे और टाइट कर देंगे तो बैक साइड से मसाला निकलना बंद हो जाएगा। तो इसे हम लोग फटाफट टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमने इसे टाइट कर दिया है, परंतु चूंकि ये ज़्यादा टाइट हो गई है तो अभी अब हम लोग इसको चालू कर रहे हैं तो यहाँ से ये मशीन चल नहीं रही है, मसाला नहीं निकल पा रही है। तो ये आवश्यकता से ज़्यादा टाइट हो गई है, तो इसे हम लोग अभी थोड़ा सा और ढीला कर देंगे। मतलब इस दोनों के बीच में थोड़ा सा दूरी रहता है, उसे सेट करना पड़ता है। तो इसे अभी हम लोग थोड़ा सा ढीला करते हैं और फिर देखते हैं चला के। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने, अभी यहाँ पे हमने इसको टाइट किया है, थोड़ा सा सेट किया है। तो इसमें कैसे हम जाने कि ये सही से सेट हुआ है या नहीं, तो यहाँ पे हमने पहले एक बार खाली चलाया और इसको ये रॉड डाल के हमने देखा है। तो ये जो मसाला आ रही है इतना अंदर में नहीं निकलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये जो मसाला है इसका हाफ निकलना चाहिए इसके अंदर से। तो इसको अभी थोड़ी सी और टाइट करने की आवश्यकता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा और टाइट कर देते हैं और अभी फिर से इसको चला के देखते हैं। तो अभी भी ये थोड़ा सा और टाइट करने की आवश्यकता है, इसको और टाइट कर दिया हमने। अभी अब थोड़ा सा ये कम हो गया है, तो अभी अब हम लोग इसमें स्टिक से चला के इसको देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से या नहीं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी अब हम लोग डालते हैं इसमें स्टिक, क्योंकि अभी इसमें फीडर नहीं लगा है तो ये सेमी ऑटोमेटिक मोड में है। जब इसमें फीडर लग जाएगा तो ये फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में हो जाएगा। तो अभी हम लोग इसे सेमी ऑटोमेटिक मोड में ही ट्राई करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब हम लोग सेमी ऑटोमेटिक मोड पर चला के देख रहे हैं,
तो ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टिक बना रही हैं मशीन। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं कि अभी सेमी ऑटोमेटिक मोड पे मशीन बत्ती तो बना रही है, परंतु प्रेशर ज़्यादा होने के कारण जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सारी स्टिक्स जो हैं ख़राब हो जा रही है। ये देखो आप, ये टेढ़ी हो जा रही है, कोई टूट जा रही है, कुछ भी हो जा रही है। तो ये इसका कारण है कि प्रेशर पीछे से ज़्यादा है। तो अभी अब हम लोग पहले प्रेशर को और थोड़ा सा कम कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रेशर कम करने के लिए ये जो दो ब्लैक वाली बोल्ट है इसे पहले ढीला करना होता है हमें, तो फटाफट हम इसे ढीला कर लेते हैं। और प्रेशर बढ़ाना हो तो ये बीच वाले नट को हमें दाहिने साइड घुमाना पड़ता है, यदि कम करना हो तो बाएं साइड घुमाना पड़ता है। तो इसे हम लोग बाएं साइड घुमा देते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, अभी अब हमने घुमा दिया है, अब इसको हम लोग फिर से ये ब्लैक वाले को टाइट कर लेते हैं। ध्यान रहे कि ये ब्लैक वाला कभी भी ढीला नहीं रहना चाहिए मशीन चलते वक्त। यदि ढीला रहेगा तो ये जो अपना प्रेशर बोल्ट है इसको ये तोड़ देगा या टेढ़ा कर देगा, तो फिर उस कारण से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें आप लोग। तो अभी अब हमने यहाँ पे प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दिया, अभी अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अभी अब लगभग ठीक हो गया, चूँकि यहाँ पे अभी भी ये फेंक रहा है ऐसे, परंतु यहाँ पे हमें कुछ गद्देदार कपड़ा लगाना होता है तब जाके वो ठीक रहता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर प्रेशर कम भी कर देंगे तो मसाला कई बार थोड़ा बहुत सूखा रूखा आ गया तो उससे भी परेशानी होती है। तो इतना प्रेशर रहनी चाहिए। अभी अब हम लोग इसमें यहाँ पे कुछ कपड़ा लगा के उसको ठीक कर देते हैं, तो ये जो अगरबत्तियाँ उड़ रही है ये उड़ेगी नहीं। ठीक है दोस्तों,